मुंबई पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 16 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 3 पेडलर गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 द्वारा 16 करोड़ 10 लाख रुपए की मैथक्यूलॉन ड्रग्स बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मुंबई के अनटॉप हिल इलाके में 3 लोग ड्रग्स बिक्री के लिए आने वाले थे, ऐसी जानकारी मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने पूर्व सूचना के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया। उनकी तलाशी में 16 किलो 100 ग्राम मैथक्यूलॉन मिली है, जिसकी कीमत 16 करोड़ 10 लाख रुपए है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई। नवभारत समाचार, मुंबई महाराष्ट्र से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। मुंबई सहित महाराष्ट्र में लगातार हो रही छापेमारी के बावजूद भी ड्रग्स और ड्रग्स माफियाओं के जो हौसले हैं वो कहीं से भी टूटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अनटॉप हिल इलाके से 16 करोड़ 10 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद किया है। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और पुलिस बड़े ही गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की लगातार कार्रवाई हो या मुंबई पुलिस की छापेमारी, लेकिन ड्रग्स बेचने वाले और नशा करने वाले या इनके सौदागरों में कोई डर नहीं देखा जा रहा है और यही वजह है कि आए दिन बड़े पैमाने पर ड्रग्स के तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। अब ऐसे में इन ड्रग्स माफियाओं के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं, इनका पता लगाना क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस सहित बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन करोड़ों रुपए का ड्रग्स मुंबई को ड्रग्स की दलदल में डाल रहा है। मुंबई से नवभारत समाचार के लिए मुरारी सिंह।